नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्यन। इस विशेष चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इसमें हम बात करेंगे बंजर हो रही जमीन की चुनौती की। हाल ही में खत्म हुए COP 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 में जमीन के तेजी से डेजर्टिफिकेशन यानी जमीन के बंजर होने का मुद्दा सामने आया और इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने जो खतरे की घंटी बजाई उससे ये चिंता जाग गई कि खेती किसानी पर आखिर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या हम तैयार हैं इसका मुकाबला करने के लिए, कैसे लड़ेंगे इस चुनौती से। तो बंजर हो रही जमीन की चुनौती आज है ये हमारा मुद्दा इस विशेष चर्चा में। और खेती किसानी के लिए मिट्टी जो कि जीवनदायिनी है उस पर बंजर होती जमीन यानी डेजर्टिफिकेशन का क्या असर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास पैनल। हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा जी जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं रिचर्ड महापात्रा, मैनेजिंग एडिटर डाउन टू अर्थ, और हमारे साथ हैं अशोक ठाकुर, डायरेक्टर नेफेड, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी किसान मोर्चा और स्टेट इंचार्ज बीजेपी दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं इस चर्चा को खोलना चाहूँगी, हमारे साथ रिचर्ड महापात्रा हैं। रिचर्ड, ये बताइए जो डेजर्टिफिकेशन और ये मुद्दा अब सुर्खियों में आया कॉप 14 की वजह से और इसमें डेजर्टिफिकेशन की बात हुई यानी जमीन के बंजर होने से, अब इसमें यहाँ महत्वपूर्ण है कि मिट्टी जो कि जीवनदायिनी है उसको किस तरह का नुकसान, और ख़ास तौर पर अगर खेती के लिहाज से हम बात करें तो ये हमारे लिए घंटी जो बजी है ये कितना बड़ा खतरा है। ये पहला तो जो मैं कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूँ कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, अभी डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण जो बोलते हैं या लैंड डिग्रेडेशन, देश का करीब 25% एरिया डेजर्टिफिकेशन के अंदर है। और दूसरा चीज़ जो 30 से 25 स्टेट में डेजर्टिफिकेशन का एरिया बढ़ा हुआ है जी लास्ट 5 साल में। और दूसरा चीज़ इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये तो हमें पता ही है कि अभी भी इंडिया में एग्रीकल्चर स्टेपल है, इकोनॉमी है, करीब 60% लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन और एक आंकड़ा है कि देखा जाए तो ये केवल इंडिया नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखा जाए तो जितना डिग्रेडेड लैंड है, जो देश के सबसे गरीब होते हैं वो डिग्रेडेड लैंड पे ही रहते हैं और उनका जीविका भी लैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये कोई एक लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक चुनौती है, चाहे वो हिंदुस्तान का एग्रारियन क्राइसिस हो जो आपको देवेंद्र जी भी बताएंगे जी। लेकिन जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है यहीं से एक्चुअली आपका इकोनॉमी के ऊपर चोट लगता है जी। जैसे मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं कि अभी जो लग रहा है कि करीब हमारा देश का 80% जो गरीब हैं वो डेजर्टिफिकेशन की वजह से उनका जो आय ऑलरेडी कम है वो करीब 25% के करीब और भी कमेगा, कम हो रहा है और आगे जाके होगा ज्यादा कम होगा। और दूसरा चीज होता है कि डेजर्टिफिकेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट है और फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो लैंड के ऊपर आएगा ये एक बड़ा आर्थिक चुनौती लेकर आता है हमारा फार्मर्स के लिए जी। इसीलिए एक संकट माना जाता है जी, अभी ये बड़ा संकट। आपने चीजें तथ्य सामने रखे, मैं इस पर देवेंद्र शर्मा जी से कमेंट चाहूंगी। देवेंद्र शर्मा जी, जो बंजर जमीन हो रही है और इसमें खास तौर से जो मिट्टी है अगर हम उसकी बात करें वो तेजी से खोती जा रही है, उसका जो पीएच बैलेंस होता है वो बिगड़ रहा है, और वो क्या तौर तरीके हैं खेती किसानी में इन दिनों जो इस वक्त डेजर्टिफिकेशन या जमीन को बंजर बनाने में आग में घी का काम कर रहे हैं। अभी हाल में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड के ऊपर जो कॉप के कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस गति से जमीन, खेती उपजाऊ जमीन जो है वो बंजर होती जा रही है, वो रेट है बहुत ही चिंताजनक रेट है, वो है 100 गुना
की जो स्पीड है उससे वो जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, जबकि मात्र 10 गुना ही हम उसको सेव कर पाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जिस रेट से ये हो रहा है, दुनिया में चिंता का घंटी तो बड़ी बजी है जैसा कि रिचर्ड जी ने कहा। लेकिन सबसे एक और बहुत ही जो मुझे लगता है कि सारे दुनिया को इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि सॉयल की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब होती जा रही है कि ये कहा गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा कि सिर्फ अब 60 साल ही खेती हो सकेगी। जो ज़मीन है वो सिर्फ उपजाऊ रहेगी या मतलब को पैदावार दे देगी आपको 100 साल के अंदर, कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनका ये एवरेज एक दृष्टिकोण जो है उससे पता चलता है कि क्राइसिस कितना नज़दीक हमारे सामने आ गया। जी 60 साल बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, आप ये बताएं कि क्या हमारी सरकार इस रियलिटी से, ये सच्चाई जो सामने आई COP14 के द्वारा भी हमने देखा, प्रधानमंत्री ने किस तरह से कहा कि वो डेजर्टिफिकेशन का जवाब देंगे, तो क्या हम इस सच्चाई से वाकिफ हैं? और जैसे उनका जवाब था कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये असल में कितनी असरदार है? क्योंकि हाल ही में जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, उन्होंने बाकायदा उसमें लिखा कि जो संसाधन है, आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो असल में कुछ होने वाला नहीं है हासिल, क्योंकि असल में ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं देखिए, इसमें जब हम किसी समस्या के बारे में बात करते हैं तो उस समस्या के मूल कारणों की तरफ भी हमको जाना होता है। जी मुझे लगता है कि चाहे वो बंजर भूमि की का बढ़ना हो या भूमि का क्षरण हो या जलवायु परिवर्तन हो, इन तीनों के अपने अपने कारण हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक समय में हरित क्रांति के नाम से हमने देश के अंदर जो है जी। वो हम उसकी तरफ बढ़े और उपज को बढ़ाने के लिए हमने जो है उसमें खाद जो पेस्टिसाइड्स है उसका प्रयोग करना जरूरी समझा, यूरिया का उसको हमने उपयोग किया जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस समय कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो ठीक होगा, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी आते हैं जी। तो उनके लिए भी हमको तैयारियां करनी तो पड़ती हैं। अब जो मुझे ये लगता है कि जब ये हरित क्रांति के बाद जिस तरह से देश की जो सरकारें थी उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि भाई इसके बाद में जो दुष्प्रभाव आएंगे, जो परिणाम आएंगे, कह रहे हैं कि चिंता की, और उसी का हमने रिफ्लेक्शन देखा कि जब बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि गोइंग बैक टू बेसिक्स, और बात हुई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, मैं यहाँ पर देवेंद्र शर्मा जी से पूछना चाहूंगी। देवेंद्र शर्मा जी, आखिरकार ये जो टर्म है वो इतना सुर्खियों में आ गई है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या कोई चीज है या नहीं, क्या वो इतनी असरदार है या नहीं? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है एक किस्म की ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक टेक्निक है, और मेरा यह मानना है कि चाहे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो या हमारे देश में 5, 6, 7 या 8 जो हैं बहुत ही अच्छे प्रचलित ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स हैं, उन सबको मिलाकर हमें एक पैटर्न बनाना चाहिए था, सबको मिलाकर एक अप्रोच लेके चलनी चाहिए थी जी। लेकिन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो वैसा ही है जैसा कि एक मतलब एक आजकल के टाइम पर एक ऐसा टॉपिक आपको एक टाइटल ऐसा नज़र आता है ज़ीरो बजट, आपको लगता है कुछ आपको निवेश ही नहीं करना है, तो इससे असली काम क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जीरो बजट हो। और ये तो अब जीरो बजट के जो 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 संस्थापक थे वो भी मानते हैं कि जीरो बजट नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक भ्रम पैदा करने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ये एक अज्ञानता ही, लेकिन ये एक इंप्रेशन ऐसा पैदा करती है किसानों के बीच में भी और सरकार के बीच में भी कि हमें तो कुछ इसमें करना ही नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें बहुत से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में और उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। ये जरूरी है बातचीत करने की, एक विरोधाभास सा सामने आता है, एक तरफ सरकार बात कर रही है प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, और हम देख रहे हैं कि बजट में जो एलोकेशन है फर्टिलाइजर्स का, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, तो कैसे आप देखते हैं इस विरोधाभास को? अगर हमें वाकई ही लैंड डिग्रेशन को रोकना है, हमें वाकई ही सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है, तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले सरकार को एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर देना पड़ेगा। अगर बजट के डॉक्यूमेंट्स में हम अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी को 1% बढ़ाते हैं तो 3% लैंड डिग्रेडेशन बढ़ती है, यानी 1% अगर हम पैसा कम कर दें फर्टिलाइजर के जो सब्सिडी हम देते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन 3% कम हो जाती है। तो ये हमें जानना है कि ये जो डायरेक्ट लिंक है
उस जब तक हम फर्टिलाइजर सब्सिडी को नहीं कम करने की बात करेंगे, नहीं ड्रेस्टिकली कम करेंगे, आपकी लैंड डिग्रेडेशन से हम खेती को नहीं बचा पाएंगे। तो ये दोनों विरोधाभास जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पैरेलल नहीं चल सकती, हमें उसमें से अब निकलने की जरूरत है। अब तो मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसानों से एक आह्वान भी किया है 15 अगस्त को कि आप केमिकल खेती से दूर हटिए, और घबराइए नहीं, इससे पैदावार नहीं कम होगी, क्योंकि इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड है अब ये कि ऑर्गेनिक सिस्टम में जाने से पैदावार नहीं कम होती, बल्कि बिजनेस एज यूजुअल इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, ये कहा जा चुका है बहुत से इंटरनेशनल पैनल्स में। तो मुझे लगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक अच्छा मैसेज गया है, शायद यूनिवर्सिटीज अब मजबूरन इसको चेंज करेंगे अपनी जो उनका जो क्रॉपिंग पैटर्न है या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व करते हैं उसको बदलने पे वो फोकस। जी देवेंद्र जी, जो ICAR और जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कम्युनिटी है, अभी उन्होंने जब बोला कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से उतना कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उसमें ये बात भी सामने आई कि जो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स हमने डेवलप किए हैं या फिर फर्टिलाइजर्स, अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो असल में खेती को नुकसान होगा। इस पर मैं रिचर्ड महापात्रा जी से कॉमेंट लेना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपके सामने एक संकट है, संकट है, आप उस संकट को झेल रहे हैं। और जैसे देवेंद्र जी ने भी बताया कि ऐसे कोई नहीं है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या बिना केमिकल या फर्टिलाइजर की बिना काम करेंगे तो आपको पैदावार कम होगा। तो ये जो आर्गुमेंट होता है कि ये है ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये तो पुराने स्थिति को बचाए रखने का कोशिश है, लेकिन हमारे सामने जो संकट है वो डिमांड करता है कि हमें ये सब करना पड़ेगा। अभी जैसे बताया कि केमिकल्स को कम करना है, ये सबको भी पता है केमिकल्स को कम करना ही है, हमारी मिट्टी इसके लिए तैयार है। इंडिजिनस वैरायटीज का देखिए, मिट्टी बिल्कुल तैयार है, तैयार भी होगा। हाँ, जरूर ये जरूर है कि केमिकल का ओवर एक्सपोजर से मिट्टी का काफी प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसका सुधारना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप बोल रहे हैं कि हम केमिकल से हो रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और आपका मिट्टी में इतना ज्यादा केमिकल होता है तो जो आपको यील्ड या हार्वेस्ट ये सब भी कम हो रहा है, तो ये कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बन रहा है। तो ये एक संकट है, ये संकट को झेलने के लिए या इसको टैकल करने के लिए जो बहुत सारे कोशिश है उसपे से एक भी है कि उसको हम कम करें। दूसरा हुआ कि ये क्लाइमेट चेंज की स्थिति में हमें इंडिजिनस सीड्स या इंडिजिनस फार्मिंग को करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकल क्लाइमेट से ही वो बढ़ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने करते भी हैं। और इससे ये भी पता लगता है कि ऐसे नहीं कि आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है उसके इंडिविजुअल लेवल पे, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि एक क्राइसिस है तो उसके लिए एक क्राइसिस मोड पे सॉल्यूशंस भी ढूंढना चाहिए, और उस पे से एक सॉल्यूशंस ये भी है कि हमें जरूर केमिकल्स को कम करना चाहिए, जरूर इंडिजिनस सीड्स या इसको करना चाहिए। इस बात पर सहमति है कि केमिकल्स को कम करना है, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स हैं उनको कम करना है। लेकिन यहाँ अशोक जी ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि ग्लाइफोसेट जैसा लीथल जो पेस्ट कंट्रोल है ये विदेशों में बैन है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमेजोन इसको ऑनलाइन तक बेच रहा है। तो हमारे देश में जो किसानों को बचाने के लिए, खास तौर से जो आबादी है वो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादातर लोग, तो हम ऐसे अपने सरकार से किस तरह की नीतियों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दिशा में, जहां वो उनको उनको गाइड करें और इस तरह की सूचना उनको मिले कि किस चीज़, कौन सी चीज़ उनकी मिट्टी के लिए ख़राब है, उसकी सेहत के लिए ख़राब है। देखिए, सरकार की सोच और सरकार की नीतियाँ जो हैं वो बहुत प्रभावित करती हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि जब खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का और यूरिया का उपयोग करना शुरू हुआ जी, तो उसके कारण मुझे लगता है कि देश भर के वैज्ञानिकों का शोध भी उसी दिशा में शुरू हुआ, सब चीज़ें उसी दिशा में बढ़ने लगी जी। अब जैसे अब हम कह रहे हैं कि हमको जैविक खेती की तरफ जाना है, अब हमारी सरकार ने आने के बाद जो लोगों को अपनी सोच बताई है कि हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, प्रधानमंत्री खुद आग्रह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उस दिशा में वैज्ञानिक शोध भी बढ़ेंगे, उस पर बहुत सारे काम होंगे। आप ये उम्मीद करें कि एक दिन में हम सारा का सब कुछ बदल देंगे तो वो संभव नहीं है। किसान अगर उसको अपना रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी कुछ मजबूरियां होंगी, ना समझी एक जगह हो सकती है, अज्ञानता एक जगह हो सकती है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी रही होंगी।
तो सरकार के स्तर पर जो है अब इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है जैविक खेती को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। और खासतौर से COP14 के आने के बाद जिस तरह से ये मुद्दा सुर्खियों में आया है, डेजर्टिफिकेशन, जो जमीन का बंजर होना, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में क्या कुछ नीतियां होनी चाहिए और वो कौन सी सरकारी नीतियां हैं जो एक विरोधाभास लेकर आ रही है, उस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम विशेष चर्चा कर रहे हैं और बंजर हो रही ज़मीन की क्या चुनौतियां हैं, खासतौर से खेती किसानी के लिहाज से उस पर चर्चा कर रहे हैं। और अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगी कि किस तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 जो हाल ही में हुई, उसमें ये मुद्दा सुर्खियों में आया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि किस तरह से हम डेजर्टिफिकेशन का जवाब दे सकते हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ें। और उन्होंने एक जो बोला है वो है कि 10 साल में भारत 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा। तो जो एस्टिमेट पहले था रिवाइज्ड करके उसे बोला गया कि 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन उपजाऊ बनेगी। लेकिन यहाँ पर भी हम जो देख रहे हैं उसमें सरकारी नीतियों में थोड़ा सा विरोधाभास नज़र आ रहा है। जैसे कि हम बात करें कि मुंबई में जो इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन का पार्किंग बनाने के लिए, उस पर मैं विचार लेना चाहूँगी रिचर्ड महापात्रा जी से कि ये जो नीतियाँ हैं ये कहीं ना कहीं गलत सिग्नल्स नहीं देती। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 50 लाख हेक्टर को हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे का आप आंकड़ा जाएंगे तो इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है और इस पे डेफोरेस्टेशन, वाटर स्कर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, विंड इरोजन, ये सब रेस्पॉन्सिबल है। आप मुंबई का जो एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमें डिग्रेडेशन को बचाना है और उसके लिए फॉरेस्ट को भी बचा के रखना पड़ेगा जी। आप देखिए, अभी बहुत सारे जगह पे फॉरेस्ट डाइवर्जन हो रहा है, बहुत फास्टर हो रहा है। जो नेचुरल फॉरेस्ट है हम उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा दे रहे हैं जी। वो भी एक डेफिनेटली एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये है। बिल्कुल, सरंडा एक झारखंड का एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, अभी उसको माइनिंग के लिए हम खोल रहे हैं जी। ऐसे बहुत सारे जगह पे हो रहा है। बिल्कुल, और बल्कि हम इस पे तो प्राइड लेते हैं कि फॉरेस्ट डाइवर्जन अभी बहुत जल्दी होता है तो बिजनेस अच्छा जल्दी सेटअप हो सकता है। डेफिनेटली ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। और दूसरा होता है कि उसकी जो विकास और संरक्षण है इसके बीच की जो क्लासिक लड़ाई है उसमें हम किस तरह से संतुलन ला पाएंगे। देवेंद्र जी, देखिए ये कोई लड़ाई नहीं होता है विकास और संक्षिप्त में जी रिचर्ड अपनी बात पूरी करें, फिर मैं देवेंद्र जी से इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि इस पे कोई एक्चुअली फाइट नहीं है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पे, क्योंकि इंडिया एक बायोमास इकोनॉमी है, इसका इकोनॉमी एनवायरनमेंट बेस्ड है, जैसे खेती पे बेस्ड है। बिल्कुल, तो इस पे कोई ये नहीं है। हाँ जरूर है कि हम अभी डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं और फॉरेस्ट या एनवायरनमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। डेजर्टिफिकेशन एक बड़ा संकट रूप में आया हो तो हम ये सब बात करते हैं, लेकिन ये एक एंड स्टेज की रिजल्ट है। इसके लिए हमें वो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी
साइड्स ना लेके उसको मिला के देखना चाहिए, बिल्कुल मिला के देखना चाहिए, वही हमारी मंशा है। और मैं देवेंद्र जी से इस पे कमेंट चाहूंगी कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्टेट हाईवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं, किस तरह से खेतों के बीच से होते हुए रोड्स बन रही हैं, किसानों से उनकी उपजाऊ जमीन उनको बिना सूचित किए उनसे ली जा रही है। मुआवजा तो आप छोड़ ही दीजिए, उसको लेकर और विस्थापन को लेकर अलग लड़ाई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत चिंताजनक विषय है, जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और ये कहा जाता है कि साहब ये आपके पास चॉइस है कि आपको पर्यावरण चाहिए कि आपको विकास चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए देश के अंदर। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि ब्राज़ील में अमेजॉन फॉरेस्ट हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट दुनिया का लंग माना जाता है। अमेजॉन फॉरेस्ट जो है 20% ऑक्सीजन जो दुनिया की आती है वो अमेजॉन फॉरेस्ट से आती है। लेकिन जिस गति से अभी नई सरकार आने के बाद अमेजॉन ब्राज़ील में अमेजॉन के जो कटाई हो रही है पेड़ों की, वो इतनी चिंताजनक विषय बन चुकी कि G7 की मीटिंग में प्रेसिडेंट जो फ्रांस के थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जर्मनी के चांसलर ने इनिशिएटिव लिया। अब उस पर हंगामा खड़ा हुआ देश दुनिया भर में विकास और पर्यावरण के बीच में। ये कहना कि साहब हम फिर पेड़ लगा दें, क्या आप अमेजॉन फॉरेस्ट को वापस ला सकते हैं कभी? अगर इस तरीके से काटने हैं आपने जंगल और फिर कहना कि हम दोबारा पर्यावरण ले आएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। कि हमें देख सोचना यह है कि भाई विकास तब है जब हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रह सकें, ये नहीं कि हम ही लोग अपने पैसों के लिए उसमें जो उसके अट्रैक्शन में हम लोग पेड़ों को भी काट दें, अपने जंगलों को भी काट दें, अपने पर्यावरण को नुकसान करें। अभी अमेजॉन में 1 मिनट में 1 फुटबॉल ग्राउंड के माध्यम एक लेवल के या एक उसके आकार के उसमें पेड़ खाली किए जा रहे हैं या उसको जमीन को बंजर किया जा रहा है या जमीन को काटा जा रहा है। अब अगर इस रेट से होगा तो आप अमेज़न तो मालूम है कि 3-4 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे जी। तो क्या ये विकास है? जी, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देश में होनी चाहिए, दुनिया में होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि G7 और G20 कंट्रीज, हमारे पास समय की पाबंदी में आपसे कमेंट लेना चाहूंगी अशोक ठाकुर जी, कि ये जो नीतियां जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात करें, क्योंकि उसमें भी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी 22 मई 2019 को ये नया नियम आ गया कि 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जिन स्टेट में है तो वहाँ कंपलसरी अफॉरेस्टेशन यानी जंगल खड़ा करना ज़रूरी नहीं है। ये जो इस तरह की नीतियाँ जो हम विरोधाभास की बात कर रहे हैं, एक तरफ विकास है एक तरफ संरक्षण, किस तरह से तालमेल बिठाया जाए? नहीं देखिए, हम सब बात कर रहे हैं लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, कोई भी सरकार ले लीजिए, XYZ ले लीजिए, अगर इसी गति से जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो उनकी उस जनसंख्या के जो के लिए जो जरूरी संसाधन है उनको पूरा करने के लिए आपको जमीन भूमि उपजाऊ भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए, उनको घर भी चाहिए, शहर भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बढ़ती जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा दबाव है। अब समय आ गया है कि हमको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर कितनी जगह पर कितने लोग रह सकते हैं, ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जागरूकता भी बढ़ी है। तो थोड़ा सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। एक अच्छा उदाहरण आपको दे दूं, एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि अब बहुत सारे जो पढ़े लिखे और जो अच्छे समृद्ध लोग हैं उनका भी इस दिशा में रुचि बढ़ी है, भले ही वो कमर्शियल एंगल से सोचते हों। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख पेड़ जो हैं वो लगाए हैं वहाँ पर जो है, तो भले ही वो कमर्शियल एंगल से लगाए हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में एक तरफ बोल रहे हैं कमर्शियल एंगल भी है लेकिन इधर हम दिल्ली में बात कर रहे हैं तो जैसे पीछे 17,000 पेड़ काटे जा रहे थे, बकायदा फिर से चिपको मूवमेंट लाया गया और लोग जैसे आपने बोला जागरूक हो रहे हैं और वो चिपक कर उन्होंने बोला कि इन पेड़ों को ना काटें। लेकिन वही है कि सवाल की इसका समाधान क्या है? रिचर्ड महापात्रा जी, संक्षिप्त में क्या समाधान है? अच्छा देखिए, समाधान तो एक है कि आप कैसे अपना लैंड को उसका प्रोडक्टिविटी के साथ नेचुरल वे में रखें। और जब हम लैंड की बात करते हैं, आप उससे फॉरेस्ट नहीं निकाल सकते हो, आप उससे नदी झरना को नहीं निकाल सकते हो। और दूसरा बात है कि हम बहुत बार ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि एफॉरेस्टेशन और जंगल के बीच फर्क है। एक नेचुरल फॉरेस्ट को एफॉरेस्टेशन कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो हमें जंगल ही रखना है, नेचुरल फॉरेस्ट। और दूसरा चीज की पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं है, कंजप्शन किसका है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। 10 आदमी 100 गुना दूसरे 90% लोगों का करते हैं तो
वो कंजप्शन देखना चाहिए। बेसिकली कंजम्पशन और कंज्यूमरिज्म इकोनॉमी उसकी तरफ आपका संकेत है। मैं देवेंद्र शर्मा जी से संक्षिप्त में एक समाधान लेना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रॉब्लम सारा कंजम्पशन पैटर्न से है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, उसके ऊपर दोबारा एक चिंतन करें या दोबारा उसको रिविजिट करें, तब तक इसका समाधान हो पाएगा। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो फिगर्स आते हैं वो उसी तरीके से बने, जितने ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जितने समुद्र को डिस्ट्रॉय करेंगे उतना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, जितने ग्लेशियर पिघलते जाएंगे उतना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। तो अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ है तो हमें सोचना पड़ेगा कि वे जिस पर्यावरण को, जिस पृथ्वी को बचाने की बात होनी चाहिए जिसमें हम सारा फ्यूचर रह सके। बिल्कुल, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो पैमाने हैं उनको एक बार फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से डेजर्टिफिकेशन हमारी अर्थव्यवस्था पर भी टोल ले रही है, उस पर असर डाल रही है। ज़मीन के बंजर होने से खेती में नुकसान जीडीपी का 2.5% है, और एग्रो फॉरेस्ट्री फिशरीज़ की बात करें तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी 15.9% का नुकसान, और वनों के घटने से आर्थिक नुकसान 55%, वाटर इरोजन से आर्थिक नुकसान 14%। तो ये तमाम नुकसान हैं जिन पर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान का खामियाजा असल में जो ग्रामीण लोग हैं, 80% लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में जो रह रहे हैं वो गांव में हैं, और उन्हीं पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। तो जो सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पर चलना होगा और हम सभी को इसमें अपनी अपनी भागीदारी रखनी होगी। फिलहाल इस विशेष चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया, और स्वराज एक्सप्रेस चैनल पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।